খুমলুঙ্গে সোমবার এক জনসভার আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টি। এদিনের সভায় রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। বাম আমলে রাজ্যের জনজাতিদের শুধু ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জনজাতিদের উন্নয়নে কাজ করে চলছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এদিনের জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এমনটাই বলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ये महाराजा बीरबल किशन माणिक्य का भूमि है। इस भूमि को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 से लगातार जनजाति के लिए जैसे विकास कल्याण हो रहा है, एक समय इस राज्य में जनजातियों को वोट बैंक के नाते व्यवहार किया जाता था कम्युनिस्ट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद जनजाति ने देखा जो बड़ोमोरा के नाम हताई को तो हो गया, गंगा छड़ा के नाम गंगा तोईचा हो गया। आज उस दिशा में सरकार कामकारी कर रहे हैं। महाराजा वीर विक्रम किशोर के मानिके के नाम से एयरपोर्ट हो चुकी है और बहुत सारी काम हम लोगों ने किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से सुनना चाहूंगा और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और साथ ही साथ मैं कहता हूँ जो आप लोग इस धरती को एक नया दिशा देने के लिए तैयार बैठे हैं और आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच में हैं, हम इनको सुनना चाहते हैं। और मैं साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ अपना विषय रखने के लिए बुलाना चाहता हूँ और इतना बोलते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। भारत माता के जय, बीजेपी जिंदाबाद, जनजाति मोर्चा जिंदाबाद।